अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान जावेद। आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 8, और इसके अंदर हमने रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का पार्ट 2, मतलब हमने रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में जस्ट 2 को डिस्कस किया था, इसमें हमने बाकी 3 डिस्कस करने हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि पहले 2 जो है वो आपको समझ आ गए होंगे और आपने वो याद भी किया होगा और उसको लिखा भी होगा। आज का हमारा पहला डिसऑर्डर कौन सा है, वो है नमोनिया। नमोनिया क्या है, इसके सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इफ द इन्फेक्शन अफेक्ट ऑन बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमोनिया। नमोनिया क्या है, एक ऐसा डिजीज़ है जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करती है, और अगर दोनों लंग इन्फेक्ट हो जाएँ तो उसे डबल नमोनिया कहते हैं। उसके कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज क्या है इसका, बैक्टीरियम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाय। कुछ वायरस भी हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो नज़ला भी क्रिएट करता है, एंड फंगल इन्फेक्शन भी नमोनिया को क्रिएट करने के या कॉज करने के जो है वो हैं वजह बनते हैं। इसके बाद इफेक्ट्स क्या हैं इसके, कि मतलब नमोनिया किस चीज़ को अफेक्ट करता है, नमोनिया कहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट पर अफेक्ट करता है। ये टिश्यूज ऑफ लंग्स जब ब्रेक होते हैं तो एरिया बिकम फिल्ड विद पस एंड फ्लूइड। मतलब क्या इसका, नमोनिया क्रिएट करने वाले जो बैक्टीरियम हैं जब वो लंग्स के अंदर जाते हैं तो लंग के टिश्यूज़ को तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ करने की वजह से लंग्स के टिश्यूज़ में जो है वो पस यानी कि पीप टाइप और फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, और जिससे जो है नमोनिया क्रिएट हो जाता है। इसी सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो गया, शिवरिंग हो गई, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गया, कफ हो गई, कफ विद स्प्यूटम ठीक है, बलगम के साथ खांसी वगैरह, एंड स्किन कलर चेंज भी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि नमोनिया वाले बंदे को जो है, पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजनेशन जो है ब्लड वो कम होती है, इससे जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, वैक्सीन जो है वो इसकी ट्रीटमेंट है, और इसकी एंटीबायोटिक्स को भी हम इस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जस्ट एंटीबायोटिक्स ट्रीट करने से नमोनिया के पेशेंट की जो है डेथ रेट वो बढ़ गया था ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, डिफाइन क्या है इसकी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग एयरवेज। अस्थमा क्या है, ये एक एलर्जी की फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाई पे अफेक्ट करती है। ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल पे नहीं, जस्ट ब्रोंकाई पे अफेक्ट करती है। इसमें भी ज़्यादातर म्यूकस ही पैदा होता है जो कि एयर वे को जो है वो नैरो कर देता है, मतलब तंग कर देता है। इसके कॉजेज क्या है, एलर्जेंस बहुत सारे जो इसके वो एलर्जेंस हैं, जैसे पोलन हो गया, परफ्यूम हो गया, स्मोक डस्ट वगैरह, ये सारे एलर्जेंस हैं, ये इसको काज करते हैं, इनको हम एलर्जेंस ऑफ अस्थमा भी कहते हैं। देखो ये डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिससे ये ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, जिससे जो है अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं वो शो होते हैं कि भी इनको अस्थमा है या उनको मसला होता रहता है इनसे। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स इसकी चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ कि अस्थमा की बहुत सारी टाइप है, क्योंकि इसके बहुत सारे एलर्जेंस हैं, इसकी टाइप भी बहुत सारी होंगी, इसलिए इसके सिम्टम्स भी बहुत सारी होंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग वगैरह, चेस्ट टाइटनेस, ये सारी इसकी मेन जो है वो सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इनहेलर, ऐसी चीज़ें, ऐसी मेडिसन जो कि एयरवेज में जाकर उनकी नैरोइंग को कम करती है और म्यूकस को जो है वो कम करती है, तो वो जो है इनहेलर के ज़रिए इनहेल किए जाते हैं, जिससे जाके अस्थमा का पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है लंग्स कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग। मतलब लंग्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो तो जो डिजीज़ है वो लंग कैंसर कहलाती है। मुसलसल ये डिवीजन होती रहती है जिससे ट्यूमर बन जाता है, और ये ट्यूमर जो है ज़्यादातर साथ वाले जो टिश्यूज़ हैं उनको भी अफेक्ट करता है, एडजेंटमिन जुड़े हुए टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या है, कफिंग हो गया, वेट लॉस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इसकी सिम्टम्स हैं। इसके बाद कॉजेज क्या है इसके, कार्सिनोजेंस जो हैं जो सिगरेट के अंदर होते हैं वो भी इसके कॉजेज हैं, आयोडाइजेशन एडिशन भी इसकी कॉजेज हैं, वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस वगैरह भी इसके इन कॉजेज में शामिल होते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है, वो कौन सी चीज़ें जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसमें एलिमिनेटिंग ऑफ टोबैको स्मोकिंग, मतलब कि स्मोकिंग का जो इस्तेमाल है वो कम करना सबसे ज़्यादा अहम है। जब स्मोकिंग नहीं होगी तो कार्सिनोजेंस नहीं होंगे, कार्सिनोजेंस नहीं होंगे तो लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब क्या इसका, कि लंग कैंसर को रोकने का सबसे अहम तरीका, अहम रीजन, अहम वजह क्या है, आप स्मोकिंग बंद कर दें। इसके बाद व्हाट इज़ द पैसिव स्मोकिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के अंदर है, पैराग्राफ है, पूरे का पूरा करना है। मैंने जस्ट यहाँ पे एक हाईलाइट किया है कि पैसिव स्मोकिंग होती क्या है, लेकिन आपने वो पैराग्राफ पूरा करना है। ये अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम द अदर स्मोकिंग,
या अंडर ब्रैकेट वाला नहीं करना, आपने पूरा करना है। दोबारा बता रहा हूँ, मतलब क्या, वैसे इसको मतलब समझा रहा हूँ आपको कि पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि किसी दूसरे स्मोकर की स्मोक को इनहेल करना। मतलब कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसकी सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है वो इनहेल करोगे, तो इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि जो स्मोकर होता है, जो स्मोक कर रहा होता है, तो वो फिल्टर के जरिए धुएं को अपने अंदर इनहेल करता है। उसके अंदर जो धुआं जाता है वो साफ होता है, यानी जो एक साथ बैठा बंदा होता है उसके अंदर जो धुआं जाता है वो बर्नर साइड जाता है और वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं होता। मतलब जो स्मोक हम इनहेल करते हैं साथ बैठे हुए नॉन स्मोकर्स, वो ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत स्मोकर को इनहेलर इनहेल किया गया स्मोक से, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर इफेक्ट ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का इफेक्ट क्या है। कैंसर रिलेटेड डेथ जो है वो ज़्यादातर लंग कैंसर से ही होती है। ये 1.3 मिलियन जो है एनुअली डेथ रेट है जो कैंसर, लंग कैंसर की वजह से दुनिया में होता है। ये बहुत जो है वो टफ है या बहुत डेंजरस डिसीज़ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छे से याद भी करना है और इसको याद करके लिखना भी है। वस्सलाम।